काश काश कि मैंने यह बुक 20 साल पहले पढ़ी होती। ये लाइन अमेरिका के एक बहुत ही बड़े बिल्डर लेडिसन क्लर्क ने कही थी जब उन्होंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी थी। वक्त ऐसे ही बीत जाता है और हम काश में फंसे रह जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जब हमें पता लगती हैं जिससे हमारी लाइफ बदल सकती थी, हमें कुछ सीखने को मिल सकता था, हमें तरक्की करने को मिल सकता था, पर वक्त बीत चुका होता है और बस रह जाता है। तो ये एक काश, काश मैंने यह कर लिया होता। इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने दो पिताओं का रेफरेंस लिया है, एक जो रिच डैड थे जिनके पास बहुत पैसा था और एक जो पुअर डैड थे। रॉबर्ट कियोसाकी अपने दोनों पिताओं को, दोनों डैड्स को बराबर का सम्मान देते थे और उनके जो दोनों पिता थे वे भी उन्हें उतना ही प्यार करते थे। बहुत सारे लोगों के सवाल हो सकते हैं कि एक वक्त पर एक इंसान के दो पिता कैसे हो सकते हैं या कोई और क्वेश्चन। मुझे लगता है कि हम अगर इस बात पर ध्यान दें कि रॉबर्ट कियोसाकी हमें समझाना क्या चाहते हैं तो हमारे लिए फ़ायदे की बात होगी। हो सकता है कि उन्होंने मान लिया हो सकता है उन्होंने अपने मन को पुअर डैड और अपने दिमाग को रिच डैड माना हो, या ये हो सकता है कि एक डैड उनके रहे हों और दूसरे डैड उनके किसी दोस्त के। कुछ भी हो सकता है, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि ये जो डैड का रेफरेंस लिया है उन्होंने ये कहानी है या काल्पनिक। असल बात यह है कि रॉबर्ट कियोसाकी हमें समझाना क्या चाहते हैं, हमें बताना क्या चाहते हैं। चलिए मान लेते हैं कि रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे और उनमें से एक बहुत अमीर थे और एक बहुत गरीब थे। तो रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि सोच जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और इसी माध्यम से रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हालांकि वो दोनों पिता उनके अपने थे, हालांकि वो दोनों पिता उनका उतने ही शिद्दत से, उतने ही मन से ख्याल रखते थे, उतना ही प्यार करते थे, अपनी जान निछावर करते थे और हमेशा उन्हें सिखाने की कोशिश करते थे, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। पर ऐसा क्यों था कि उनके एक पिता अमीर थे और एक पिता गरीब? सारा खेल सोच का है, सारा खेल नज़रिए का है। नज़रिया ही इंसान को तरक्की दिला सकता है और नज़रिया ही इंसान की नाव को डुबा सकता है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम किस रंग के चश्मे को पहनकर कैसा मौसम देखते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जैसा दर्द हो वैसा मंजर होता है। अरे मौसम तो इंसान के अंदर होता है और उसी अंदर के मौसम को हमेशा बनाए रखने, अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए, अपना नज़रिया सकारात्मक रखते हुए अगर हम आगे सोचे तो कुछ अच्छा तो ज़रूर होगा। बातें और भी है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।